हाय गाइस, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम मिडिल ईयर एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। मिडिल ईयर एनाटॉमी से पहले हम ये देख लेते हैं कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या रहता है। ठीक है, जब हम मिडिल ईयर क्लेफ्ट की बात करते हैं तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट में आता है यूस्टेशियन ट्यूब, मिडिल ईयर, एडिटस, एंट्रम और मेस्टॉइड एयरसेस को मिला के हम बोलते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है, उसी के बाद में हम देखते हैं आगे मिडिल ईयर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जब हम मिडिल ईयर के पार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आता है मेसोटिम्पेनम, एपिटिम्पेनम, हाइपोटिम्पेनम और प्रोटिम्पेनम। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं इनके बारे में बताता हूँ। ये है हमारी, मान लीजिए हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो पार्स टेंसा वाला पोर्शन रहता है और एक पार्स प्लेसिडा। तो पार्स टेंसा के जो सामने वाला पोर्शन है, यानी कि इधर जो है मिडिल ईयर कैविटी है। ठीक है, तो इधर जो मिडिल ईयर कैविटी के अंदर की साइड में पार्स टेंसा जो सामने वाला पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं मेसोटिम्पेनम। ठीक है, जो पार्स टेंसा रहता है इसके जो ऊपर वाला पार्स टेंसा से अबव जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं एपिटिम्पेनम, और वहीं पार्स टेंसा से जो बिलो वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटिम्पेनम। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोटिम्पेनम क्या रहता है। तो प्रोटिम्पेनम जो रहता है जहाँ यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग होती है उस जगह को हम बोलते हैं प्रोटिम्पेनम। इसके बाद में हम बात करेंगे मिडिल ईयर के वॉल्स की। ठीक है, तो हम मान लो सपोज करो मिडिल ईयर जो रहता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसपे एक रूफ होता है, एक फ्लोर होता है और चार उसकी फेस होती है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि ये मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर का इधर रूफ हो गया, उधर फ्लोर हो गया, उसकी एक एंटीरियर वॉल होगी, एंटीरियर वॉल के सामने पोस्टीरियर वॉल, और उसकी एक मिडियल वॉल होगी, मिडियल वॉल के सामने लेटरल वॉल होगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसके रूफ से। तो जो मिडिल ईयर जो रहता है उसका जो रूफ रहता है वो एक थिन बोनी प्लेट का बना रहता है। ठीक है, जो थिन बोनी प्लेट रहती है उसको हम टेंसर टिम्पेनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो उसका फ्लोर रहता है वो भी थिन प्लेट का बना हुआ रहता है, जो कि जुगलाल वर्क को सेपरेट करता है मिडिल ईयर से। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं उसके एंटीरियर वॉल की। तो जब एंटीरियर वॉल की बात करते हैं तो एंटीरियर वॉल भी थिन प्लेट का बना रहता है, जिसका काम ये रहता है कि जो इंटरनल कैरोटिक आर्टरी जो रहती है उसको मिडिल ईयर कैविटी से वो सेपरेट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि एंटीरियर वॉल जो रहती है उस पर दो ओपनिंग रहती है, जो ऊपर वाली ओपनिंग रहती है जिसको टैगमन टिम्पेनी बोलते हैं, जो नीचे वाली ओपनिंग रहती है उसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इससे टैगमन टिम्पेनी जो रहता है इससे एक टेंडन निकलता है, ये टेंडन जो रहता है वो मिडिल वॉल के जो प्रोसेस ऑफ कोक्लियर फॉर्मेशन जो रहता है इसको टर्न करते हुए वो जाता है लेटरल वॉल का जो मेलियस रहता है ना, मेलियस की जो नेक रहती है उससे अटैच रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी पोस्टेरियर वॉल की। ठीक है, तो हम पोस्टेरियर वॉल की जब बात करते हैं, पोस्टेरियर वॉल पे एक बोनी प्रोजेक्शन रहता है जिसको पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, इस पिरामिड से क्या रहता है कि जो टेंडन ऑफ स्टेपिस निकलता है, ये टेंडन ऑफ स्टेपिस यहाँ से निकल के जाता है लेटरल वॉल का जो स्टेपिस रहता है, स्टेपिस की नेक से अटैच रहता है। वहीं हम देखते हैं कि जो पिरामिड रहता है, पिरामिड के ऊपर जो रहता है एडिटस रहता है, जो एडिटस रहता है ये ओपनिंग रहता है और कम्युनिकेशन दो स्ट्रक्चरों के बीच में कम्युनिकेशन करता है, एक एटिक और एंट्रम के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। वहीं हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर वॉल रहती है इस पे जो फेशियल नर्व निकलती है, यहाँ से फेशियल नर्व की ब्रांच भी निकलती है जिसको हम कोडा टिम्पेनी बोलते हैं। वहीं हम जब पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड का जो लेटरल साइड रहता है वहाँ पे डिप्रेशन होता है जिसको फेशियल रेसेस बोलते हैं। ये फेशियल रेसेस जो रहता है डायरेक्ट एंट्री रहता है मिडिल ईयर कैविटी के अंदर। किसी भी प्रकार की जब मिडिल ईयर की सर्जरी रहती है उसमें हम बिना पोस्टीरियर वॉल को डिस्टर्ब किए सीधा मिडिल ईयर कैविटी में एंटर हो सकते हैं फेशियल रेसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मिडियल वॉल की। तो जो मिडियल वॉल रहती है इसको लेबरिंथ भी बोलते हैं, और इस पे है ना क्या रहता है, एक बल्ज रहता है जिसको प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। ये प्रोमोन्ट्री या फिर ये जो बल्ज का फॉर्मेशन जो रहता है ये वेसल कॉइल ऑफ कोकलिया की वजह से हमको दिखाई देता है। वहीं हम देखते हैं इसके ऊपर दो ओपनिंग रहती है, एक ओवल विंडो की रहती है, एक राउंड विंडो की रहती है। ठीक है, जो ओवल विंडो रहती है ना इससे जो लेटरल वॉल पे जो स्टेपिस पाई जाती है उसका जो फुट प्लेट रहता है वो ओवल विंडो को कवर करके रखता है, उसके ऊपर अटैच रहता है। ठीक है, वहीं जो राउंड विंडो रहता है राउंड विंडो को सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ये कवर्ड रहता है। वहीं देखते हैं हम जो ओवर विंडो है ना, ओवर विंडो के ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टल केनाल रहती है, ये फेशियल नर्व की एंट्री के लिए होता है। ठीक है, उसकी बाद में हम ये देखते हैं कि जो ओवर विंडो रहता है, ओवर विंडो के सामने कोक्लियर फॉर्मेशन करके एक स्ट्रक्चर रहता है, ये इसका काम ये रहता है, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है फेशियल नर्व की सर्जरी के लिए, फेशियल नर्व की सर्जरी के लिए। फिर हम बात करते हैं कि लेटरल वॉल। ठीक है, जो लेटरल वॉल रहता है इसका मैक्सिमम एरिया या मेनली एरिया जो रहता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का बना रहता है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो रहती है ट्रांसपेरेंट रहती है, जिसके थ्रू हम मिडिल ईयर के ऑसिकल्स को हम कुछ हद तक देख सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि इसका जो बचा कुचा एरिया रहता है वो एटिक बोन का बना रहता है, जिसको हम स्कूटम भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।